देखिए, पिछले चैप्टर में हमने बात किया गुप्ता डायनेस्टी का और लास्ट हमने किया था गुप्ता के डिक्लाइन पर। अब हम बात करते हैं इंडिया जो गुप्ता पीरियड के बाद का फेज है। देखिए, गुप्ता में हमने लास्ट में हमने कहा कि गुप्ता के डिक्लाइन के बाद जो एम्पायर है वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जा रहा है। तो वही होता है कि यहाँ पे चार मेजर किंगडम्स हैं गुप्ता के डिक्लाइन के बाद और हर्षा के राइज होने के बाद। यहाँ पे हर्षवर्धन की बात हम लोग आगे करेंगे और ये सब हो रहा है 7th सेंचुरी के बिगनिंग में हर्षा के राइज तक। ये चार किंगडम कौन है, ये देखिए गुप्ताज जो मगध के हैं, ये इन गुप्ता से जुड़े हुए नहीं है, ये दूसरे गुप्ताज हैं। मौखरीज जो कन्नौज के हैं, मैत्रकाज जो वल्लभी सौराष्ट्र गुजरात आज का, और पुष्यभूतीज जो थानेश्वर के हैं। तो ये चार किंगडम ओरिजिनेट करता है। इसमें ये चारों किंगडम्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं ताकि जो गुप्ता एम्पायर है उसका ग्लोरी जो भी था, जो बचा खुचा जो भी है, उसमें किसको क्या मिलेगा कंपीट करने के लिए ये चारों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ गुप्ताज ऑफ मगध दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंपीरियल गुप्ता डायनेस्टी। तो हमने पहले ही कहा कि ये ओरिजिनल गुप्ताज नहीं है, ये दूसरे हैं, ये माइनर डायनेस्टी है मगध की। और ऐसे कुछ प्रूफ नहीं है कि इनको डायरेक्टली हम लोग इंपीरियल गुप्ताज मेन गुप्ताज से जोड़ सके, लेकिन सम ऑफ द किंग्स ऑफ गुप्ता फैमिली पावरफुल थी और ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब नॉर्थ ईस्ट तक ये रूल कर रही थी। मौखरीज जो दूसरे हैं वो वेस्टर्न यूपी अराउंड कन्नौज पे रूल करते हैं और ये मगध का भी एक पार्ट कैप्चर करते हैं। इनमें दो मेजर रूलर हैं ईशान वर्मन और सर्व वर्मन, दोनों ही पावरफुल मौखरी किंग्स हैं और इन्होंने टाइटल लिया है महाराजा धीराज का। ईशान वर्मन जो है वो हुनास को हरा भी पाते हैं, रिस्ट्रेन कर पाते हैं, और हुनास दोबारा से यहाँ अटैक कर रहे थे इंडिया की ओर और उस वक्त इन्हें रोका ईशान वर्मन ने। मैत्रका क्लान जो है, जो तीसरा हमने कहा, ये सौराष्ट्र जो वेस्टर्न इंडिया में है और इनका कैपिटल वल्लभी, ये याद रखिएगा कि मैत्रक जो ये किंगडम है इनका कैपिटल कहाँ था, वल्लभी में था। वल्लभी जो है वो लर्निंग और कल्चर का इंपॉर्टेंट सेंटर बना और ट्रेड और कॉमर्स का भी इंपॉर्टेंट सेंटर आगे चलकर बनता है। ये सबसे ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे, लॉन्गेस्ट, और 8th सेंचुरी तक रूल करेंगे और इनको फाइनली हराएंगे अरब्स जो मेडिवल में हम लोग पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और बाकी जो लोग बाद में आएंगे। अब चौथा जो है इसमें है पुष्यभूतीज ऑफ थानेश्वर, ये चौथा किंगडम है। पुष्यभूति फैमिली फेमस होती है हुनास के इन्वेजन के बाद, ये पॉपुलर हो जाते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है प्रभाकर वर्धन, जो पावरफुल रूलर है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे हिस्ट्री में प्ले कर रहा है। इसने टाइटल लिया है परम भद्रक महाराजा धीराज का, ये याद रखिएगा, ये हम लोगों को अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। अब इसके किंगडम को देखिए, पंजाब पूरी तरीके से और मालवा साउथ में, ये सब इसने ऑक्युपाई कर रखा है। यहाँ पे हुनास का भी इन्वेशन हो रहा है इनके रूल के लास्ट फेज में। इसके अलावा इनके दो पुत्र हैं, दो सन है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक डॉटर है राजश्री। इन्होंने अपनी डॉटर की शादी मौखरी किंग ग्रह वर्मन से भी किया है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस बन रहा है इनका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाम को। ये लोग अब आगे चलकर, यही हर्षवर्धन जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे और राज्यवर्धन जो पहले रूलर थे हर्षवर्धन के, और ये इनके ब्रदर इन लॉ, तीनों की चर्चा होगी। तो प्रभाकर वर्मन जो है अपने एम्पायर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं वेस्ट और साउथ में, और इस दौरान बंगाल और असम में दो पावरफुल किंगडम्स बनती है। एक जो बंगाल में अराउंड 525 एडी में एक किंगडम बनती है, ये है गौड़ किंगडम, जिसमें वेस्टर्न एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल है। ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं लेकिन मौखरीज इनको हरा देते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है शशांक, इसको याद रखिए दोस्तों, इसने ही बोधि ट्री जो है बोधगया में उसको कटवा दिया था। ये गौड़ किंगडम है जो आधा सेंचुरी मतलब 525 में किंगडम की शुरुआत हो रही है, इसके आधे सेंचुरी के बाद ये राजा बनता है और कैपिटल अपना क्या बनाता है, कर्ण सुवर्णा, जो कि नए मॉडर्न मुर्शिदाबाद के पास है। इसने पूरे बंगाल को ऑक्युपाई किया, ओडिशा को ऑक्युपाई किया और कन्नौज की ओर बढ़ता है अगेंस्ट द मौखरीज। अब देखिए, पहले हमने कहा कि मौखरी किंग ग्रह वर्मन के साथ शादी हो चुकी है राजश्री की, जो कि बहन है राज्यवर्धन की और बेटी है प्रभाकर वर्धन की, और इस मैरिज अलायंस ने इन दोनों फैमिलीज को क्लोज ला दिया था। और अभी हमने बात की कि शशांक जो गौड़ किंग है वो मालवा किंग के साथ कन्नौज पे हमला बोलता है प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद नया राजा कौन है, राज्यवर्धन, बड़ा भाई है हर्षवर्धन का, और इस लड़ाई में ग्रह वर्मन जो कन्नौज के थे वो मारे जाते हैं और राजश्री जो क्वीन थी इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। मतलब ब्रदर इन लॉ मर गए हैं, बड़ा भाई लड़ रहा है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसी में यहाँ कन्नौज के डिफीट के बाद राज्यवर्धन जो कि ब्रदर था हर्षा का, ये
गौड़ और मालवा को सप्रेस करने के लिए, यहाँ के राजाओं को सप्रेस करने के लिए बढ़ता है, लेकिन शशांक इसे भी मार देते हैं। तो बेसिकली देखिए, राज्यवर्धन और ग्रहवर्मन, इनकी चर्चा हम लोग ज्यादा नहीं करते, हमें चर्चा करनी है इस महान व्यक्ति की, हर्षवर्धन की। और वही चर्चा पे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि पिता मर चुके हैं, बड़ा भाई की मृत्यु हो गई है, ब्रदर इन लॉ को मार दिया गया है, तो बचा कौन? बचते हैं हर्षवर्धन। तो अब हम लोग बात करते हैं हर्षा की। देखिए, राजवर्धन को मार दिया गया है गौड़ किंग शशांक के हाथों, तो हर्षवर्धन जो है अब नए राजा बनते हैं, पुष्यभूति थ्रोन पे आते हैं 606 एडी में, सिर्फ 16 साल की उम्र में। यहाँ पर इन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपने ब्रदर इन लॉ के डेथ के बाद जो मौखरी स्टेट के काउंसलर्स थे, उन्होंने भी हर्षा ही को थ्रोन सौंप दिया कि भाई आपको ऑफर कर रहे हैं, आप आ जाओ। अब हर्षा के रूल की बात करें तो पहले तो बदला लेना है शशांक से, क्योंकि उसने भाई को मारा है, ब्रदर इन लॉ को मारा है। उसके बाद पहले एक्सपेडिशन में तो सक्सेस नहीं मिलता है गौड़ के खिलाफ, लेकिन शशांक की डेथ होने के बाद सेकंड एक्सपेडिशन में ये मगध और शशांक के एम्पायर को कैप्चर करते हैं। तो अब देखिए, एम्पायर जो है ईस्ट की ओर बढ़ गया है इनका। गौड़ किंगडम हर्षा और एक और रूलर है वहां के भास्कर वर्मन, इन दोनों के बीच में अब डिवाइड कर दिया जाता है। भास्कर वर्मन कामरूप, जो मॉडर्न डे असम है, इसके रूलर हैं, और ये अलाई थे हर्षा के अगेंस्ट गौड़ किंगडम। तो ये जो एरिया है, इन दो लोगों में डिवाइड कर दिया गया। देखिए, ईस्ट में तो आ गए, अब साउथ के भी चाहते थे कि ये कॉन्कर कर लें, और हर्षवर्धन इसके लिए नर्मदा के साउथ जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ऐहोल इंस्क्रिप्शन ने लिखा है कि पुलकेशिन टू नाम के रूलर, जो कि चालुक्य किंग था बदामी का, इसने इसको हरा दिया। तो ह्यूंगत्सांग भी यही कहते हैं कि हर्षा कुड नॉट डिफीट द चालुक्य किंग, तो साउथ इंडिया में हर्षा नहीं आ पाए। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज होता है कि कई लोग बोलते हैं कि हर्षा लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर था, तो इसको कई हिस्टोरियंस कहते हैं ये गलत भी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्षवर्धन का जो रूल था वो बस नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में नहीं आ पाया। इसके अलावा ये भी कहना कि हिंदू रूलर बहुत महान था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है अकॉर्डिंग टू सर्टेन हिस्टोरियंस, क्योंकि ये कहते हैं कि इसके समय में बुद्धिज्म भी बहुत था, और ये कोई हार्डकोर हिंदू नहीं था, इसने सब लोगों को मदद की, बुद्धिज्म को भी मदद किया, थोड़ा बहुत जैनिज्म को भी मदद किया। तो इस कारण से लोग इसे जब कहते हैं कि लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर, तो कई लोग इससे नहीं मानते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए, हर्षक मिलिट्री कोलिशन बना रहे हैं ध्रुव भट्ट टू के साथ, जो कि मैत्रक किंग है वल्लाभी, और भास्कर वर्मन जो कि कामरूप के राजा हैं। अब जैसे मैंने अभी कहा, महान राजा, ये देखिए, अनडाइंग रेपुटेशन इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर हिज पीसफुल एक्टिविटीज एज डिस्क्राइब बाई ह्यूंगत्सांग एंड बाणभट्ट। लोग कहते हैं कि पीसफुल था पूरा पीरियड इनका, लेकिन हमने देखा अभी काफी लड़ाई हुई है, लेकिन इनके बायोग्राफर बाणभट्ट, ये याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, बायोग्राफर कौन है तो बाणभट्ट है, और ह्यूंगत्सांग के हिसाब से इस वक्त काफी पीस रहा। हर्षा इज ग्रेट एम्परर, लर्निंग के क्षेत्र में बहुत जाना जाता है, खुद टैलेंटेड ऑथर था, 3 संस्कृत प्ले लिखे, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इसने खुद नहीं लिखा था, किसी से लिखवाया था, लेकिन अब यही है, इसको याद रखिएगा कि 3 संस्कृत प्लेज इसने लिखे हैं। बाणभट्ट जो लिखते हैं हर्षचरित्र, जो कि इनका ऑफिशियल बायोग्राफी, और कादंबरी, एकदम याद करिए, ये दोनों ही पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हर्ष अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अफेयर्स ऑफ द स्टेट को लुक कर रहे हैं, कंस्टेंटली ट्रैवल करते रहते हैं कि ताकि खुद से देख सके कि सरकार कैसी चल रही है, राज कैसा चल रहा है। टॉलरेंट किंग है, शैव है बाय फेथ, लेकिन हर रिलीजन को या रिलीजियस सेक्ट को उसके बराबर का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ह्यूंगत्सांग कहते हैं कि ये लिबरल बुद्धिस्ट हैं, जिसने हर गॉड, हर सेक्ट के गॉड को पूरा रिस्पेक्ट दिया। तो इसलिए ये मैंने जो शुरू में कहा कि लास्ट ग्रेट हिंदू किंग, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ दो चीज एकदम याद रखिए, 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स हैं, असेंबली एट कन्नौज एंड असेंबली एट प्रयाग। अब कन्नौज असेंबली ह्यूंगत्सांग के ऑनर में हुआ था, जिसने इसको बहुत अफेक्शन दिखाया, रिगार्ड दिखाया। कन्नौज असेंबली में देख सकते हैं 24,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स और 3,000 जैन्स एंड ब्राह्मण्स आए। और कन्नौज के सेरेमनी के बाद ह्यूंगत्सांग प्रयाग गया, जो कि मॉडर्न डे अलाहाबाद है, जो कि गंगा यमुना सरस्वती के कन्फ्लुएंस पे है, और यहाँ पर इसने रिलीजियस फेस्टिवल्स हर 5 साल पे मनाना शुरू किया। हर्षा दानवीर भी था, डोनेशन भी बहुत ज्यादा देता था, सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते रहता था। 6 असेंबलीज प्रयाग में अपने लाइफ टाइम में किया, और जब जब ऐसे किया, कहा जाता है अपना जितना भी कुछ होता था सारा दान कर दिया करता था। इसके अलावा 641 में इसने एम्बेसी भी भेजी ह्यूंगत्सांग के साथ चाइनीज इंपेरर के लिए, और चाइनीज एम्बेसी को इसके रिटर्न में मिला। इसके अलावा याद रखें कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और धीरे धीरे इनकी मृत्यु के बाद ये जो एम्पायर था ये खत्म हो जाता है, रूइंस हो जाता है।
अब हर्षा के पीरियड के कुछ साउथ इंडिया के रूलर्स की भी बातचीत कर लें तो यहाँ पे इसको समझिए, हर्षा के पहले से साउथ इंडियन किंगडम्स थे, जैसे आप सतवाहन का रूल जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 3rd century AD में खत्म हुआ डेक्कन और साउथ इंडिया से, और सेकेंड हाफ में इसमें आ गए वकतकाज। और इनके फाउंडर के बारे में तो बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन प्रवर सेना मोस्ट प्रोबेबली इसके फाउंडर थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। विद्याशक्ति फाउंडर प्रवर सेना के पिता थे और इन्होंने भी इस किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। प्रवर सेना एकमात्र वकटका रूलर था जिसने सम्राट का टाइटल लिया। इन्होंने वाजपेय और 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए, हमने पहली बात कर रखी है ये क्या है तो इसमें यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा प्रवर सेना के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने वकटका एम्पायर को 2 पार्ट में बांट दिया, जो मेन पार्ट था उसे वत्स गुलमा ब्रांच कहते हैं। चंद्रगुप्त 2 ने अपनी बेटी की शादी वकतकाज में किया था और इस प्रकार जो उनकी बेटी जिनका नाम प्रभावती गुप्ता है, इस कारण से वकतका फैमिली का जो स्टेटस है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, आप देख सकते हैं, और इस कारण से वकतकाज और गुप्ताज के बीच में फ्रेंडली टाइज बहुत लंबे समय तक चलती है। देखिए वकतकाज के डिक्लाइन के बाद 3 किंगडम यहाँ आ जाता है, 3 मेजर किंगडम्स, और ये तीनों यहाँ पे हैं। आप देखिए चालुक्यास जो बादामी में रूल करते हैं, पल्लवास जो कांचीपुरम में रूल करते हैं, पांड्यास जो मदुरई में रूल करते हैं। तो वकतकाज इन डेक्कन आर फॉलोड बाय चालुक्यास ऑफ बादामी, तो निचले वाले हिस्से में वकतकाज के बाद आ जाते हैं चालुक्यास। यहाँ पर 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चालुक्यास वतापी या बादामी और ऐहोल के आसपास उनका बेस हुआ करता था, नॉर्थवर्ड्स मूव करके नासिक और गोदावरी के अपर इलाकों में ये रूल कर रहे थे। यहाँ पे इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है पुलकेशिन 2, जो ग्रेटेस्ट रूलर है 610 से 642। आप देख सकते हैं ये कंटेम्प्रेरी हो जा रहा है किसका, हर्षवर्धन का, तो ये कंटेम्प्रेरी है हर्षवर्धन जो कन्नौज से रूल कर रहे हैं। ऐहोल इंस्क्रिप्शन बोलती है कि पुलकेशिन 2 ने अर्ली विक्ट्रीज लिया चालुक्यास में, और इसको इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसने किया, रविकृति ने। ऐहोल इंस्क्रिप्शन की हमने पहले भी बात की, यहां पर पुलकेशिन 2 ने आगे चलकर हर्षवर्धन को भी हरा दिया था। विष्णुवर्धन जो पुलकेशिन 2 के पुत्र थे, इन्होंने ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्यास जिसका कैपिटल पिष्टपुरी था उसको फाउंड किया था। इसके अलावा वेंगी भी डेवलप हुआ कैपिटल ऑफ ईस्ट चालुक्यास किंगडम के तौर पर। ये जो एम्पायर है ये लमसम 12वीं शताब्दी तक चलता है, और उसके बाद इनको राष्ट्रकूता सक्सीड करते हैं। सक्सीड किसको कर रहे हैं, देखिए चालुक्यास ऑफ बादामी और वास्ट एम्पायर बना रहे हैं डेक्कन में। इनका महान रूलर, पहला रूलर दांतीदुर्ग वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूता डायनेस्टी। इन्होंने चालुक्यास को हराया और बादामी को कैप्चर किया। चालुक्यास और पल्लवास दोनों कंटेम्पररी हैं गंगा और कदम्बास जो डेक्कन में रूल कर रहे थे। यहाँ पे वेस्टर्न गंगाज वेयर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईस्टर्न गंगाज ऑफ कलिंगा, चालुक्यास एंड पल्लवास वेयर रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न मैसूर, दिस इज नोन एज गंगावदी। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा इनसे सवाल नहीं पूछेगा, पुलकेशिन 2 का नाम याद रखिए, ऐहोल इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखिए। इसके अलावा ये याद रखिए कि राष्ट्रकूताज के रूलर दांतीदुर्ग हैं जो पहले जो मेजर रूलर हैं, और चालुक्यास बादामी के बाद ये वहां पे आकर रूल करना शुरू करते हैं। देखिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना काफी है, इसको याद रखिए, हर्षा पे ज्यादा फोकस दीजिए, पुलकेशिन 2 का नाम याद रखिए क्योंकि उन्होंने इसको हराया है। इसके अलावा ज्यादा सवाल इससे नहीं पूछे जाने चाहिए, और यहां तक के लिए इतना ही, थैंक यू।